आप सभी को नमस्कार। आइए सुनते हैं अपनी पत्नी की बेवफाई से आहत हुए राजा भर्तृहरि, जिन्हें कि राजा भर्तृहरि या राजा भर्तृहरि भी कहा जाता है, उनके त्याग और संन्यास लेने की रोचक कहानी। यह कहानी आपको जीवन की शिक्षा देने के साथ साथ नाथ संप्रदाय की विशेषताओं से भी आपको अवगत कराएगी। तो आइए इस रोचक कहानी को प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है, उज्जैन में एक महान राजा हुए राजा भर्तृहरि। उनके राज्य में प्रजा खुशहाली से रहती, किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। साम्राज्य धन संपदा और वैभव से भरा हुआ था तथा सभी को समुचित न्याय मिलता था। राजा भर्तृहरि के छोटे भाई का नाम विक्रमादित्य था, जिनके बारे में हम में से अधिकांश लोग तो जानते ही होंगे। उन्हें विक्रमादित्य के नाम पर विक्रमी संवत चलाया जाता है। वे भी एक बड़े ही महान राजा हुए थे। राजा भर्तृहरि अपनी प्रजा से और अपने भाई से बड़ा प्रेम करते थे, लेकिन वह अत्यधिक प्रेम अपनी पत्नी पिंगला से करते थे। दुर्भाग्यवश रानी राजा से उतना प्रेम नहीं करती थी, वह तो राजा के सिपह सालार से प्रेम करती थी। हालांकि वह राजा के सामने इसे प्रत्यक्षतः जाहिर नहीं करती थी, लेकिन चोरी छुपे वह सिपह सालार से मिलती और उसके साथ प्रेम में मग्न रहती थी। एक दिन संयोग से विक्रमादित्य ने सिपह सालार और रानी को आपस में प्रेम करते देख लिया। विक्रमादित्य ने रानी को समझाया कि भाभी, यह गलत है। मेरे भाई आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आपको किस चीज की कमी है जो आप दूसरे पुरुष के साथ इस प्रकार दुष्कर्म करने में लगी हुई हैं? लेकिन रानी तो अपने प्रेम में अंधी थी। उसने न केवल विक्रमादित्य की बात को अनसुना कर दिया, बल्कि वह राजा के पास जाकर विक्रमादित्य के प्रति ही इस प्रकार से कहने लगी कि विक्रमादित्य ने मेरी इज्जत पर हाथ डालने का प्रयास किया है। रानी ने सोचा था कि यदि विक्रम पहले जाकर राजा को मेरे बारे में बता देंगे तो हो सकता है कि राजा मुझे प्राण दंड दे दें, लेकिन यदि मैं पहले जाकर विक्रम की शिकायत करूंगी तो फिर विक्रम की बात को राजा नहीं सुनेंगे। उन्हें लगेगा कि यह अपने बचाव के लिए ऐसा बोल रहा है। राजा को अपने भाई पर बहुत भरोसा था। उसने रानी से कहा कि विक्रम ऐसा नहीं कर सकता है, वह एक भला मनुष्य है। वह कभी भी दूसरी स्त्री के प्रति इस प्रकार की दृष्टि नहीं रख सकता है। लेकिन रानी तो रानी थी, उसने अपने त्रिया चरित्र का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। हमारे संस्कृत वांग्मय में भी लिखा हुआ है, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानति कुतो मनुष्यः, यानी कि स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य कौन जान सका है। राजा अपनी रानी से प्रेम करते थे, वे उसकी बातों में आ गए और उन्होंने विक्रम को बुलाकर उसे प्राण दंड देने के लिए कहा। हमारे लोक कथा में जब भर्तृहरि की कथा आती है तो विक्रम द्वारा अपने भाई को यह समझाया जाना कि भैया, आप जिस पत्नी के प्रेम में पागल हो रहे हो वह एक दिन आपको मरवा भी सकती है, इसे बड़ी ही सुंदर सी लाइन में कहा जाता है कि आज का बोला याद रखिए विक्रम भाई का, दुनिया में से खो देगा तुझे बहम लुगाई का। विक्रमादित्य ने बताया कि यह स्त्री चरित्रवान नहीं है, परंतु भर्तृहरि ने अपने कान बंद कर लिए थे। उसने अपने अंगरक्षकों से कहा कि इसे वन में ले जाकर मार डालो। जब अंगरक्षक विक्रमादित्य को लेकर जाने लगे तो बूढ़े मंत्री ने अंगरक्षकों से कहा कि अभी राजा अपनी पत्नी के प्रेम में पागल है, इसलिए तुम्हें ऐसा आदेश दे रहा है, लेकिन जब कल इसके सर से अपनी पत्नी का भूत उतरेगा तो वह अपने भाई को खोजेगा, फिर अकारण ही तुम्हें मार डालेगा। इसलिए विक्रमादित्य को मारना नहीं, बल्कि किसी जानवर की आंख निकालकर लाना और राजा को दे देना। मंत्री ने विक्रमादित्य से भी कहा कि जब तक राजा की बुद्धि सुधर नहीं जाती तब तक तुम किसी ऐसी जगह पर छिप जाओ जहां पर राजा को तुम्हारे बारे में पता न चले। विक्रम ने बूढ़े मंत्री की बात मानकर वैसा ही किया। इधर अंगरक्षक एक हिरण को मारकर उसकी आंख लाए और रानी को दे करके रानी की संतुष्टि प्राप्त की। समय बीतने लगा। एक दिन राजा भर्तृहरि जंगल में शिकार खेलने गए हुए थे। उन्होंने एक तीर से हिरण को मार दिया। उसी समय श्री गुरु गोरखनाथ जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने राजा से कहा कि निर्दोष को मारने से महापाप लगता है,
तुम अपने राजमद में अंधे होकर प्राण हत्या क्यों करते हो? इस शिकार से न तो तुम्हारा भला होने वाला है, न ही किसी और का भला होने वाला है। लेकिन राजा में तो अहंकार था। उसने कहा कि तुम कैसी बातें करते हो? तुम्हें इतना भी नहीं पता कि राजा के कृत्य में टोका नहीं करते? अगर तुम संत नहीं होते तो तुम्हें भी मार डालता। और वास्तव में यदि तुम संत हो तो इस प्राणी को जीवन दान क्यों नहीं दे देते हो? इस पर गुरु गोरखनाथ ने कहा कि मैं इसे जीवन दान दे दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, कि तुम्हें मेरा शिष्य बनना पड़ेगा, तुम्हें राजपाट त्याग कर सन्यासी होना पड़ेगा। राजा अपने अहंकार में भरा हुआ था। उसे लग रहा था कि यह प्राणी जो मर चुका है वह जीवित कैसे होगा। उसने संत की बात को स्वीकार कर लिया। राजा के शर्त को स्वीकार करने पर गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी सिद्धि से तत्काल ही उस मरे हुए हिरण को जीवित कर दिया। यह देखकर राजा आश्चर्य से भर गया और भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि महात्मन, आप सचमुच में महान संत हैं। मैं आपका शिष्य अवश्य बनूंगा, लेकिन मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को अगर छोड़कर संत बन गया तो मेरे प्रेम में पागल वह मर जाएगी। वह यह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि मैं उसे छोड़कर सन्यासी बन गया। इतना सुनकर गोरखनाथ जी ने कहा कि बाण आले कि बाण ना जावे, चाहे चारों वेद पढ़ा ले, त्रिया अपनी ना होती, चाहे कितने लाड लड़ा ले। परंतु भरतरी को अपने दुष्ट पत्नी के बारे में कुछ पता नहीं था। वह तो उसे देवी मानता था। उसने अपनी पत्नी की बहुत वकालत की। इस पर गोरखनाथ जी ने कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा, जब तुम्हारा मन संसार से दुखी हो जाए तब तुम मेरे पास आ जाना। इसके बाद गुरु गोरखनाथ जी अपने रास्ते चले गए और भरतरी अपने महल में वापस आ गए। समय बीतने लगा। धीरे धीरे कुछ समय गुजरने के पश्चात एक दिन गुरु गोरखनाथ जी ही एक दूसरे संत का वेश बनाकर हाथ में अमर फल लिए राजा भरतरी के पास आए। उन्होंने भरतरी से कहा कि महाराज, आप एक महान राजा हैं। आप यदि अधिक समय तक जीवित रहेंगे तो प्रजा का अधिक भला होगा, इसलिए यह अमर फल आप खा लीजिए। इसे खाने से व्यक्ति हमेशा ही निरोग रहता है और उसकी आयु बहुत अधिक बढ़ जाती है। राजा ने संत से वह फल ले लिया। राजा चूंकि अपनी रानी को अधिक प्रेम करता था, इसलिए उसने सोचा कि मैं जीवित रह के क्या करूंगा। मेरी रानी जीवित रहेगी तो वह इस संसार को अधिक दिनों तक देखेगी, इसलिए उसने अमर फल को रानी को सौंप दिया। रानी चूंकि सिपह सालार से प्रेम करती थी, इसलिए रानी ने सोचा कि मेरा यदि प्रेमी अधिक समय तक जीवित रहेगा तो मुझे इससे ज्यादा खुशी मिलेगी, इसलिए रानी ने उस सिपह सालार को वह फल सौंप दिया। इधर सिपह सालार रानी के साथ केवल इसलिए रहता था क्योंकि वह रानी थी। अगर सिपह सालार उसकी बात नहीं मानता तो वह उसे मरवा सकती थी, साथ ही उसे पैसे रुपए से भी फायदा हो जाती थी। लेकिन सिपह सालार एक वैश्या से बहुत प्रेम करता था। वह अक्सर उसी के पास जाया करता था। सिपह सालार ने सोचा कि मैं इस फल को खाकर क्या करूंगा, मैं तो राजा का नौकर हूं। यदि मैं उस वैश्या को यह फल दे दूं तो उसे बीमारी नहीं होगी और लंबे समय तक वह युवा बनी रहेगी, जिससे कि उसका जीवन यापन सुंदर रहेगा। सिपह सालार ने यही सोचकर वह फल वैश्या को दे दिया। इधर वैश्या ने सोचा कि मेरा जीवन तो पाप से भरा हुआ है, मैं जितना अधिक समय तक जीवित रहूंगी उतना अधिक समय इस नरक में पड़ी रहूंगी, तो मेरा तो मर ही जाना अच्छा है। इससे अच्छा है कि यहाँ का राजा भर्तृहरि, जो कि बड़ा ही नेक राजा है, वह लंबे समय तक जीवित रहे और प्रजा का पालन करे। यह सोचकर वह वेश्या उस फल को ले जाकर पुनः राजा को दे दी। राजा ने अपने द्वारा रानी को दिए गए फल को एक वैश्या के हाथ से अपने पास वापस आता देख बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने वैश्या से पूछा कि तुम्हें यह फल कहाँ से मिला, तो वैश्या ने बताया कि मुझे यह फल सिपह सालार ने दिया। राजा ने तत्काल ही अपने सिपह सालार को बुलाया तो उसने कहा कि मुझे यह फल रानी ने दिया। जब राजा ने रानी से पूछा तो रानी टालम टोल करने लगी, लेकिन जब राजा ने सिपह सालार और वैश्या दोनों को उसके सामने प्रस्तुत कर दिया तो अब रानी के पास स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह राजा के चरणों में गिरकर
उससे क्षमा की प्रार्थना करने लगी। वह बार बार कहने लगी कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी। लेकिन राजा का मन इस दुनिया से और अपनी पत्नी से उचट चुका था। उसके मन में तो यह दुख समा गया कि मेरे भाई को मैंने अकारण ही मरवा दिया, और इसी क्रोध में भरे हुए राजा ने अपनी पत्नी को प्राण दंड देने की प्रतिज्ञा कर डाली। उसने अपनी पत्नी को तो मरवा दिया, लेकिन उसे शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपने राजपाट को छोड़कर सन्यासी बनने का निर्णय लिया। वह बार बार यही सोचता कि काश मेरा भाई जीवित रहता तो मैं उसे यह राज्य दे देता। तब उस बूढ़े मंत्री ने, जिसने कि विक्रमादित्य के प्राण बचाए थे, राजा से बोला कि राजन, तुम्हारा भाई जीवित है, तुम चिंता मत करो। राजा भर्तृहरि यह सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने भाई को बुलवाया और उसे राज्य देकर स्वयं ही गुरु गोरखनाथ जी की शरण में चले गए। जब तक भर्तृहरि राजा थे तो उनके पास 365 पाक शास्त्री यानी कि रसोइये थे, जो राजा और उसके परिवार और अतिथियों के लिए भोजन बनाते थे। एक रसोइया वर्ष में केवल एक ही बार भोजन बनाता था, लेकिन इस दौरान भर्तृहरि जब गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में चले गए तो वे भिक्षा मांगकर अपना जीवन गुजारने लगे। एक बार गुरु गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों से कहा, देखो, राजा होकर भी इसने काम, क्रोध, लोभ तथा अहंकार को जीत लिया है और यह दृढ़ निश्चयी है। शिष्यों ने कहा कि गुरु जी, ये तो राजा हैं, इनके यहाँ तो 365 बावर्ची थे, ऐसे भोग विलास के वातावरण से आए हुए राजा कैसे काम, क्रोध और लोभ से रहित हो सकते हैं। वास्तव में शिष्यों को राजा भर्तृहरि से कुछ जलन जैसा होने लगा था। वे नहीं चाहते थे कि उनके गुरु उन्हें छोड़कर किसी नए आए शिष्य को इतना तवज्जो दें। इसलिए उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी से उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा। तब गुरु गोरखनाथ जी ने उनकी चार बार परीक्षा ली। पहली बार में उन्होंने राजा भर्तृहरि से कहा कि भर्तृहरि, जाओ भंडारे के लिए जंगल से लकड़ियां ले आओ। राजा भर्तृहरि नंगे पैर जंगल गए और वहां से लकड़ियां एकत्रित करके सिर पर बोझे को उठाकर वापस लाने लगे। तभी गोरखनाथ जी ने अपने दूसरे शिष्यों से कहा कि तुम जाओ और उसे ऐसा धक्का मारो कि बोझ गिर जाए। चेले गए और उन्होंने ऐसा धक्का मारा कि बोझ भी गिर गया और भर्तृहरि भी गिर गए। लेकिन भर्तृहरि ने पुनः बोझ को उठाया, न उनके चेहरे पर शिकन थी, न आंखों में आग के गोले, न होंठ ही फड़क रहे थे। आप विचार कीजिए कि वे एक राजा थे, उनके सामने कोई आंख भी उठा दे तो वे सर कलम करवा सकते थे, लेकिन अब उन्हें कोई धक्का मार दे रहा है और उनके मन में क्रोध का एक लेश मात्र तिनका भी नहीं उठ रहा है। गुरुजी ने चेलों से कहा कि देखा, भर्तृहरि ने क्रोध को जीत लिया है। इतना सुनकर शिष्य बोले कि गुरुजी, अभी तो और भी परीक्षा लेनी चाहिए। थोड़ा सा आगे जाते ही गुरुजी ने योग शक्ति से एक महल रच दिया। गोरखनाथ जी भर्तृहरि को महल दिखा रहे थे। उस महल में युवतियां थीं, नाना प्रकार के व्यंजन थे, सेवक थे और वह सब कुछ था जो विलास के लिए प्रयुक्त होता है। लेकिन राजा भर्तृहरि का मन उधर नहीं गया। राजा भर्तृहरि एक राजा थे, उन्होंने सभी विलासों को देखा था और जो एक बार भोग विलास को देख लेता है वहीं उसमें रमता है। लेकिन फिर भी राजा भर्तृहरि ने अपने मन को इतना नियंत्रित कर लिया कि उनका ध्यान भी उधर नहीं गया। इतना देखकर गुरुजी ने अपने शिष्यों से कहा कि अब तो तुम लोगों को विश्वास हो ही गया कि भर्तृहरि ने काम, क्रोध और लोभ आदि को जीत लिया है। लेकिन शिष्य भी कहां मानने वाले थे। उन्होंने गोरखनाथ जी से कहा कि गुरुदेव, एक परीक्षा और लीजिए। इस पर गोरखनाथ जी ने भर्तृहरि से कहा कि भर्तृहरि, हमारा शिष्य बनने के लिए परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जाओ, तुमको एक महीना मरुभूमि में नंगे पैर पैदल यात्रा करनी होगी। भर्तृहरि ने गुरु की आज्ञा को स्वीकार कर लिया। वे अपने स्थान से चले और राजस्थान जाकर पहुंच गए। वहां पर जब वे मरुभूमि में पहुंचे तो वहां धधकती बालू थी, कड़ाके की धूप थी, मरुभूमि इतना गर्म था कि पैर रखो तो जल ही जाए। एक दिन, दो दिन, ऐसे यात्रा करते करते 6 दिन बीत गए।
सातवें दिन गुरु गोरखनाथ जी ने अदृश्य शक्ति से अपने प्रिय चेलों को भी साथ लेकर वहां जा पहुंचे। गोरखनाथ जी बोले, देखो वह भर्तृहरि जा रहा है, मैं अभी योग बल से वृक्ष खड़ा कर देता हूं, लेकिन वह वृक्ष की छाया में भी नहीं बैठेगा। गुरु गोरखनाथ जी ने अपने योग बल से अचानक ही वहां पर एक वृक्ष खड़ा कर दिया। चलते चलते भर्तृहरि का पैर वृक्ष की छाया में आ गया तो वे ऐसे उछल पड़े मानो अंगारों पर पैर पड़ गया हो। मरुभूमि में वृक्ष कैसे आ गया, छाया वाले वृक्ष के नीचे पैर कैसे आ गया? गुरुजी की आज्ञा थी कि मरुभूमि में यात्रा करो। यह सब सोचकर भर्तृहरि कूद कर दूर हट गए। गुरुजी प्रसन्न हो गए कि देखो कैसे गुरु की आज्ञा मानता है। जिसने कभी पैर गलीचे से नीचे नहीं रखा, वह मरुभूमि में चलते चलते पेड़ की छाया का स्पर्श होने से अंगारे जैसा एहसास करता है। गोरखनाथ जी मन ही मन चेले की दृढ़ता पर बड़े खुश हुए, लेकिन और शिष्यों के मन में ईर्ष्या थी। शिष्य बोले, गुरुजी यह तो ठीक है, लेकिन अभी तो परीक्षा पूरी नहीं हुई। गोरखनाथ जी तुरंत ही रूप बदलकर भर्तृहरि से मिले और बोले, जरा छाया का उपयोग कर लो। भर्तृहरि बोले, नहीं, मेरे गुरुजी की आज्ञा है कि नंगे पैर मरुभूमि में चलो। गोरखनाथ जी ने सोचा, अच्छा कितना चलते हो देखते हैं। थोड़ा आगे गए तो गोरखनाथ जी ने योग बल से कांटे पैदा कर दिए, ऐसी कटीली झाड़ी कि उनकी कंथा जो फटे पुराने वस्त्रों को जोड़कर बनाई गई थी वह भी फट गई। पैरों में शूल चुभने लगे, फिर भी भर्तृहरि ने आह तक नहीं की। भर्तृहरि तो अंतर्मुखी हो गए थे, वे जानते थे कि यह सब सपना है, गुरुजी ने जो आदेश दिया है वही तपस्या है, यह भी गुरुजी की कृपा है जो मुझे इतने कष्ट मिल रहे हैं। दोस्तों, हठ योग के मार्ग पर चलने वाले तपस्वी इसी प्रकार साधना करते हैं, उनके लिए शरीर का सुख महत्व नहीं रखता है। अंतिम परीक्षा के लिए गुरु गोरखनाथ जी ने अपने योग बल से प्रबल ताप पैदा किया। प्यास के मारे भर्तृहरि के कंठ तक प्राण आ गए। तभी गोरखनाथ जी ने उनके अत्यंत समीप एक हरा भरा वृक्ष खड़ा कर दिया, जिसके नीचे पानी से भरी सुराही और सोने की प्याली रखी थी। एक बार तो भर्तृहरि ने उसकी ओर देखा, पर तुरंत ख्याल आया कि नहीं, गुरु की आज्ञा भंग हो जाएगी। उनका इतना सोचना ही था कि सामने से गोरखनाथ जी आते हुए दिखाई दिए। भर्तृहरि ने दंडवत प्रणाम किया। गुरु जी बोले, शाबाश भर्तृहरि, वर मांग लो, अष्ट सिद्धि दे दो, नव निधि दे दो। तुमने सुंदर सुंदर व्यंजन ठुकरा दिए, युवतियां तुम्हारे चरण पखारने के लिए तैयार थीं, लेकिन तुमने उन्हें छोड़ दिया। तुम्हें जो मांगना है मांग लो। भर्तृहरि बोले, गुरु जी बस आप प्रसन्न हैं, मुझे सब कुछ मिल गया। शिष्य के लिए गुरु की प्रसन्नता सब कुछ है। आप मुझसे संतुष्ट हैं तो इससे मेरे करोड़ों पुण्य कर्म और यज्ञ तप सब सफल हो गए। गोरखनाथ जी ने कहा कि नहीं भर्तृहरि, अनादर मत करो, तुम्हें कुछ न कुछ तो लेना ही पड़ेगा, कुछ न कुछ मांगना ही पड़ेगा। इतना सुनकर भर्तृहरि ने अपने गुरु जी से कहा कि गुरु जी, मेरा यह कंथा जो फटे पुराने वस्त्रों से बना हुआ एक वस्त्र होता है वह फट गया है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक सुई और धागा प्रदान कर दें जिससे मैं इन वस्त्रों को सी लूं। गोरखनाथ जी खुश हो गए कि हद हो गई, कितना निरपेक्ष है, अष्ट सिद्धियां नव निधियां कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा कुछ मांगो तो बोलता है कि सुई और धागा दे दीजिए। गुरु जी का वचन रख लिया, कोई अपेक्षा नहीं की। भर्तृहरि तुम धन्य हो, कहां उज्जैनी का सम्राट नंगे पैर मरुभूमि में घूम रहा है। एक महीना भी नहीं होने दिया और 7-8 दिन में ही वे परीक्षा से उत्तीर्ण हो गए। एक और परीक्षा की बात आती है, जहां पर गोरखनाथ जी से गोपीचंद तथा भर्तृहरि ने कहा था कि गुरुदेव हमें मोक्ष चाहिए। तब गुरुदेव ने कहा था कि अलवर में एक किला बन रहा है, तुम लोग वहां पर जाकर 12 वर्ष मजदूरी करो, लेकिन ध्यान रहे उस किले को बनाने से एक भी मजदूरी नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि अपने जीवन यापन के लिए तुम कहीं दूसरी जगह भी मजदूरी करोगे। तब अपने गुरुदेव की आज्ञा मानकर भर्तृहरि और गोपी चंद अलवर किले में जाकर वहां मजदूरी करने लगे। एक राजा और एक राजा का भतीजा और दोनों मजदूरी कर रहे हैं। साथ ही गुरु की आज्ञा से अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, यानी कि भरपेट भोजन के लिए,
वे एक कुम्हार के यहाँ नौकरी करते थे। वे कुम्हार का काम केवल दो वक्त की रोटी के बदले किया करते, लेकिन कुम्हार की पत्नी बड़ा ही दुष्ट थी। वह उन्हें भरपेट खाना भी नहीं देती थी। 12 वर्षों तक उन्होंने सकुशल गुरु की आज्ञा का पालन किया। जब वे वापस जाने लगे तो उन्होंने जिस कुम्हार के यहाँ रोटी के लिए मेहनत की थी उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि पिता का हेत माता का कुहेत, आधा चंदन आधा रेत। यानी कि कुम्हार का भाग, जिसने कि उन दोनों को अच्छे से रखा था, वह सोने का हो जाएगा, और कुम्हारी का भाग, जिसने कि उन दोनों को समुचित रूप से खाना नहीं दिया था, वह रेत का हो जाएगा। ऐसा कहकर वे चले आए। कुम्हार को इस बात का समझ नहीं था कि इन्होंने क्या कहा है, लेकिन जब उसने अपने ताजे पके हुए घड़े को देखा तो वह घड़ा आधा रेत का था जो भुरभुराकर गिर गया, और आधा सोने का हो चुका था। कुम्हारी ने मन ही मन सोचा कि अगर मैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करती तो मुझे एक पूरा सोने का घड़ा मिल जाता। कुम्हारी का हृदय परिवर्तित हो गया था और उन दोनों को गुरुदेव ने मोक्ष प्रदान किया। तो दोस्तों, यह थी राजा भर्तृहरि की कहानी। कैसी लगी आपको यह प्रस्तुति कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली पेशकश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।